मेहनत और ईमानदारी अपनाओ, खोई बरकत वापस पाओ। नशा मुक्त हो शाकाहार अपनाओ, रोग दोष से मुक्ति पाओ। मेरे प्यारे गुरु दाता, रमंगता द्वारे खड़ा मैं रहा, पुकार पुकार मैं हर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। समर्थ सर्वत्र श्रोणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक भाई बहनों, बच्चे यंग बच्चे, आज 3 अप्रैल 2020 उज्जैन आश्रम ध्यान भजन का अवसर, तो आप सब लोग भाग्यशाली हो कि आप भारत जैसे देश में पैदा हुए हो, जन्म लिए हो, जहाँ संतों का हमेशा प्रादुर्भाव रहा। ये धर्म परायण देश कहा जाता है। ऋषि मुनि योगी योगेश्वर अवतारित शक्तियों और संतों का प्रादुर्भाव इसी देश में हुआ। संत हमेशा इस धरती पर रहे और उस समय पर तो ये जरूर रहा, जल्दी उनको लोग पहचान नहीं पाए और जिनके ऊपर उन्होंने दया किया या जो बहुत संस्कारी थे वही उनके पास पहुंच पाए और जब उनको समझने की कोशिश किए, अंतर में अपनी पहचान जब उन्होंने उनको दिया तब उनको पहचान पाए। लेकिन सब लोग नहीं पहुंच पाए। आप ये समझो उनका काम क्या रहा, सभी जीवों के लिए रहा, आने वाली पीढ़ी को भी समझाने बताने का काम करते रहे हैं। इसीलिए मुंह से बोल करके, लिख करके, लिखवा करके आने वाली पीढ़ी के लिए वो कुछ छोड़ गए। आप ये समझो रास्ता बता करके चले गए। अब आप ये समझो जो लिख दिया उन्होंने, लिखवा दिया, बोल दिया, वही बन गया ग्रंथ। ग्रंथ किसको कहते हैं? जिसको मजहबी किताब कहते हो, जिसको धार्मिक ग्रंथ कहते हो, रामायण गीता तरह तरह का नाम रख देते हो, तो यह है धर्म ग्रंथ। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब जब दूसरे संत आते हैं तो उनके लिए यही हाल होता है, जल्दी उनको मानते नहीं लोग, समझ पाते नहीं हैं, क्योंकि उनका रास्ता दुनियादारों से अलग होता है। कहा गया लेख ले काया चलन, ले कह चलन कपूत और लेख छाड़े तीनों चलन शायर सिंह सपूत। वो सत्पुरुष के सपूत होते हैं, इसलिए वो किसी के रास्ते पर नहीं चलते हैं, अलग अपना रास्ता बनाते हैं। और लोग क्या करते हैं, लेख पर ही चलते हैं। जो रास्ता पीछे के लोग बना करके चले गए उसी पर चलना पसंद करते हैं। तो उनको क्या करना पड़ता है कि पुराने लोगों की बातों को उदाहरण दे करके, दलील दे करके और समझाना पड़ता है, तब लोगों के समझ में आता है। जो बातें एक नहीं कई फकीर, कई महात्मा संत कह करके गए, जब वो बातें लोगों के कान में पड़ती हैं
तब धीरे धीरे संतों की बातों पर विश्वास होने लगता है कि इसी भारत जैसी धर्म धरती पर गोस्वामी जी महाराज पैदा हुए। उन्होंने ग्रंथ को लिखा और ग्रंथ को लिख करके लोगों के भलाई के लिए, लोगों के समझने के लिए छोड़े। वो तो दुनिया संसार से चले गए, संवत 2016 में ही चले गए। अब आप ये समझो, लेकिन उनका ग्रंथ अब भी पढ़ा जा रहा है। इसको कोई रामायण कहता है, कोई रामचरितमानस कहता है, तो अब आप ये समझो उसमें उन्होंने लिख दिया है। स्वामी, यह संसार में पांच रत्न है सार, साध संग सतगुर कृपा दया दीन उपकार। उन्होंने कहा यह शरीर पांच तत्वों का है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से पांच तत्वों का है। इस पांच तत्वों के शरीर के लिए पांच रत्न है, सार है इसका। रत्न देखो कीमती होता है, और सार जो होता है वो किसको कहते हैं, खास चीज को, कीमती चीज को सार कहते हैं। कहा ना, सार सार को गए गए थोड़ा दे उड़ाए। अनाज को सूप में रख करके ऐसे फटकारते हो तो जो मोटा अनाज, कीमती अनाज होता है, काम का होता है, वो आगे रह जाता है इधर, और बाकी जो भूसा होता है, हल्के अनाज होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। तो सार उसी को कहते हैं। देखो धातु हमेशा कीमती होता है, जैसे सोना है, तांबा है, पीतल है, लोहा है, इसको भी सार कहा गया। मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। मुई खाल किसको कहते हैं, बकरी की खाल यानी खींच करके उसका वो बना देते हैं क्या, धोपनी, उससे हवा करते हैं, आग जलाते हैं, तो लोहा गर्म होकर के राख बन जाता है, इसको भस्म कहते हैं। सोना को भी जला के भस्म बनाते हैं, लोहा का भी लोह भस्म, दवाई में काम आता है। तो सार किसको कहते हैं, खास चीज को। तो सार क्या है, साध संग, साधक का संग, साधक के संग से लोगों को बहुत फायदा होता है। साधक का अलग एक विचार होता है, भावना होती है, खान पान होता है, रहन सहन होता है, आप ये समझो उसकी भाव और भक्ति होती है, उसके अंदर गुरुमुखता होती है। अब आप ये समझो कि साधक का संग करने से क्या होता है, मालिक से प्रेम होता है। इधर दुनिया की तरफ से प्रेम हट करके और मालिक की तरफ रुझाव होता है, उससे प्रेम होता है, तो प्रेम से बैराग होता है। यानी समझो जब प्रेम जगता है किसी के प्रति, किसी से प्रेम जगता है, तो बैराग होता है किधर से, जैसे काम धंधे में लगे हुए हो और किसी से आपका प्रेम है, पति है, पत्नी है, या दोस्त है, या रिश्तेदार है, तो उसको छोड़ देते हो और छोड़ करके मिलने जुलने के लिए चले जाते हो, उससे प्रेम होता है, तो बैराग आता है इधर से, और बैराग के बाद अनुराग आता है, तो काम मिले ना रघुपत बिना अनुरागा। जब अनुराग जगता है तो रघुपत जिसको कहा गया मालिक को मिल जाता है। तो साधक का संग बहुत जरूरी होता है, संग का बड़ा असर होता है। देखो लोहे की ही बात है, आप ये समझो कि लोहा का हथियार जब कसाई के पास रहता है तब उसकी कोई कीमत रहती है, उसको लोग देखना छूना नहीं पसंद करते हैं। जिस गनाशे से बांक से जानवरों को काटता है उसको लोग अशुद्ध मानते हैं, और लोहे का मंदिर बन जाए, लोहे का सिंहासन बन जाए, चाहे पत्थर की मिट्टी की ही मूर्ति हो जिनको मान लिया जाता है भगवान है, और वो मूर्ति रख दी जाए लोग मत्था टेकते हैं। आप ये समझो जब मिट्टी में पड़ा रहता है लोहा तो उसकी वो कीमत नहीं रहती है, और उसको निकाल करके साफ करके और थोड़ी देर का संग कर दो आप किसके साथ, पारस पत्थर के साथ, तो सोना बन जाता है।
कीमती हो जाता है। इसीलिए तो साधक ने सदगुरु से मांगा कि साध संग मोह देव नित, परम गुरु दाता, या मेरे गुरु या मेरे मालिक, मुझे साधक का संग दे दो। साधक का संग अगर तो हमको मिल जाएगा तो हमारा सब काम बन जाएगा। आप समझो कुछ चीजें ऐसी हैं कि उससे कई काम हो जाता है। जैसे आप देखो चना है, चना अनाज अगर एक आदमी को दे दिया जाए, किसी को कहा जाए चना ही खाओ, तो आपको दे दिया जाए तो आप समझो उसको भून के खाओगे, भिगो के खाओगे, और कभी नहीं भी खाओगे और अन्न खाओगे। लेकिन कह दिया जाए केवल चना ही आपको खाना है तो भिगो के खा लो, भून के खा लो, पीस के रोटी बना के खा लो, पकौड़ी बना लो, मिठाई बना लो, रोटी बना लो, जो चाहो उसका खा लो। ऐसे ही आप समझो कि एक लड़का दे दिया जाए आपको और काम दे दिया जाए पढ़ाने के लिए, तो उसी से आप सब काम करा लो, सेवा सब कर देगा आपका, रोटी भी खिला देगा बना के ले भी आएगा, कपड़ा भी धो देगा, नहला धुला भी देगा। उसने बादशाह ने पिता को अपने जब कैद किया तो कहा एक अनाज मिलेगा खाने को और एक जगह मिलेगी रहने को और एक काम मिलेगा तुमको। तो बादशाह ने यही कहा कि चना दे दो उनको खाने को और लड़का पढ़ाने का काम दे दो और चौराहे पर मकान दे दो। चौराहे पर मकान मिल गया तो पूरा जायजा लेता रहता था, सब आते जाते रहते, मिलते जुलते रहते, हर चीज़ की जानकारी रहती थी। चना मिल गया उसी का सब बनवाता खाता रहा, लड़का मिल गया पढ़ाने से उसी से अपनी सेवा सब करा लिया, कुछ नहीं है खरा। ऐसे ही साधक का जब संग मिल जाता है तब हर तरह की जानकारी हो जाती है। कहा गया साध संग मोहि देव नित, परम गुरु दाता, या मेरे मालिक साधक का संग दो। साध संग सदगुरु कृपा, सदगुरु की कृपा बहुत जरूरी होती है। सदगुरु की अगर कृपा न हो तो जीव उबर ही ना पावे, फंसा ही रह जाए, क्योंकि सदगुरु ही तो जानकारी कराते हैं हर चीज के, सतगुरु ही सतलोक का भेद बताते हैं, सतगुरु ही वाणी से समझा करके और अन्य समझो की मोड़ देते हैं, सतगुरु की वाणी ही अन्य समझो की खींचती है, उनकी दया ही खींचती है ना। सतगुरु तान के मारिया, शब्द सुरंगी बान, और मेरा मारा फिर गिए तो हाथ में धरूं कमान। सदगुरु का कहा गया कि सदगुरु तान के मारते हैं, क्या मारते हैं, बात को मारते हैं, सुरंगी बाण, शब्द के द्वारा। जैसे सुरंग बनाया जाता है बारूद से, सुरंग बना करके बारूद लगा करके बड़े बड़े बाहर ब्लास्ट कर देते हैं, पत्थर तोड़ देते हैं, सुरंग बनाते हैं, तो सुरंगी बाण चलाते हैं, शब्दों की बाण चलाते हैं। शब्दों का बाण जो होता है वो घायल कर देता है। आप किसी को आप गाली दे दो, आप उसको अपशब्द कह दो, उसको लगने वाली बात बोल दो, तो नाराज हो जाएगा। और अगर आपको तरीका मालूम है फिर उसको मना लेने का, तो बोल दो, उसके बाद फिर आप मना लो उसको। तो सदगुरु जो होते हैं बोलते तो हैं बात, तीखी बात बोलते हैं, लेकिन फिर वो संभाल लेते हैं। कैसे संभालते हैं कि कहा गया गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और गड़ी गड़ी काढ़े खोट, और अंतर हाथ सराह कर बाहर मारे चोट। कहा गया कि गुरु कुम्हार की तरह से होते हैं, घड़े को पीट पीट करके बनाते हैं, उसकी कमियों को दूर करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा होता है पीट करके उसको सुधारते हैं, कुम्हार जैसे सुधारता है, लेकिन हाथ अंदर से लगाए रहता है घड़ा टूट न जाए। ऐसे सदगुरु होते हैं, लेकिन उनकी जो वाणी होती है, शब्द होते हैं,
वो अपना आश्रय जताते हैं। इसीलिए कहा गया कि सदगुरु जो बाण चलाते हैं उसमें घायल होता ही होता है, प्रभावित होता ही होता है जीव। जो वो बाण चलाते हैं उससे मन मरता ही मरता है, दुनिया की तरफ से उदासीनता वैराग्य आता ही आता है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, इसीलिए कहा गया उनके उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता है, क्योंकि उनका निशाना छोटा मोटा तो होता नहीं है। इनका निशाना तो होता है कि हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाऊँ ना एक हमारो काम। जिस घर को जीव भूल गया, कभी याद भी नहीं आता, उस घर को याद कराते हैं अपने प्रियतम के बारे में, पिता परमेश्वर के बारे में, पति परमेश्वर के बारे में बताते हैं, याद दिलाते हैं, विरह पैदा करते हैं, रास्ता बताते हैं, रास्ते पर चलाते हैं और वहाँ तक पहुँचाते हैं, मंजिल तक पहुँचाते हैं। इस जीवात्मा को अजर अमर करते हैं, आप ये समझो कि फिर मरने और जीने से छुटकारा दिला देते हैं। तो कहा गया साध संग सतगुर शरण, सतगुर के शरण में आओ, सतगुर की दया लो, आप ये समझो उनकी कृपा लो, उनके शरण में आओ। कहा जब जब संत जगत में आवे, ढूंढ भाल उनके ढिग जावे, जाए पड़े चरणन में, चरणन में पड़ा रहे सेवा करें। यानी ये बताया गया संतों की खोज कर, खोज रे प्यारे, यानी समझ लो कि संतों की खोज करो, जो अन्य मनुष्य मंदिर में ही खोजने का तरीका बता दें उस मालिक को जो उसमें विराजमान है, जिसकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे, जिसको देख नहीं पा रहे, जिसकी महिमा के बारे में जानकारी नहीं हो पा रही है, उसको बता दें, लिखा दें। इसलिए सदगुरु के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके अन्य वचनों का पालन करना चाहिए। ये उनकी भक्ति, जो ये सेवा और भक्ति, वो जो जैसा चाहते हैं वैसा करना, आने समय लो भक्ति कहलाती है, वो करना चाहिए। तो साधु संग सदगुरु शरण, दया दीन उपकार, दया बहुत जरूरी होता है। देखो दया एक आभूषण है, आभूषण किसको कहते हैं? औरतें देखो गहना पहनती हैं, जेवर पहनते हैं। आप देखो पुरुष लोग भी पहले पहनते थे, आप समझो जैसे औरतें पहनते ऐसे पुरुष पहनते थे पहले। आप देखो यह आभूषण की तरह से है दया। दया अगर समझो आदमी के अंदर से चला गया, हाँ तो समझो कि सब चला गया, कुछ नहीं रहा। आप समझो दया बहुत जरूरी है। दया किस पर करना चाहिए? अपने शरीर पर करना चाहिए, अपनी जीवात्मा पर करना चाहिए, और परमात्मा की अंश जीवात्मा ये जिसके भी अंदर हो, पशु पक्षी में, सब पर करना चाहिए। देखो ये मनुष्य शरीर, ये मानव मंदिर, ये अनुसम जो जिस्मानी मस्जिद है, इबादती मस्जिद है ये, इसको गुरुद्वारा कहा गया, इसको चर्च कहा गया, तो इसकी हिफाजत जरूरी है। इस पर दया करो, इसको साफ सुथरा रखो। यह जिस चीज़ को चलाने की ताकत रखता है उस चीज़ को ही खाओ पियो, क्योंकि बुढ़ापे में हाजमा कमज़ोर हो जाता है। अगर इस चीज़ खा लोगे तो यह शरीर नहीं चल पाएगा। इस पर दया करो कि यह चलता रहे। कहते हैं ना प्रभु ऐसी कृपा करो कि चलते फिरते मेरे प्राण निकल जाएं, हमको कुछ शरीर से कष्ट न हो, भोगना न पड़े, तो इस पर दया करो। अब देखो इस समय पर कोरोना रोग चल रहा है, कोरोना आने समझो छुआछूत का रोग है, तो छुआछूत से इसको बचाओ। कैसे बचेगा? उस नियम कानून का सब लोग पालन करो, और दूसरे की भी जान बचाओ, दूसरे के शरीर के ऊपर भी दया करो, उनको भी बताते समझाते रहो। ऐसा कोई काम न करो कि आप समझो कि उनके ऊपर खतरा आ जाए और उनका शरीर छूट जाए। तो दया इस तरह की शरीर के ऊपर करनी चाहिए। आप ये समझो कि दया जिसके अंदर से निकल जाती है, क्रूर हो जाता है,
इंद्रियों के भोग के लिए, सुख के लिए, जिभ्या के स्वाद के लिए, अन्य समझ लो जब दया हटती है तो क्रूर हो जाता है, आप ये समझो। लेकिन इस चीज को समझना चाहिए कि वह जो क्रूरता आती है, यानी मार काट करने लगता है, तकलीफ देने लगता है, जीव हिंसा करने लगता है, उसका उसको फल भोगना पड़ता है, क्योंकि यह कर्म प्रधान देश है। यहाँ कर्मों से यानी कोई बच नहीं पाया, सबको सजा मिली। महात्मा जी के साथ जा रहा था उनका एक शिष्य, तो देखा एक आदमी तालाब के किनारे मछली पकड़ रहा है, ऐसे पकड़ पकड़ करके फेंक रहा है, और वो छटपटा करके मर रही है। देख करके दया आ गई उसको, जब दया आ गई तो शिष्य ने गुरु जी से कहा, गुरु जी ये बड़ा क्रूर है, देखो दया खत्म हो गई इसके अंदर से, और कैसे तड़पा तड़पा के मछलियों को मार रहा है, गुरु जी इसको मार दो। बोले हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम समझाना है, समझाए बच्चा यही जीवात्मा जो तुम्हारे अंदर है वही इसके अंदर है, सजा भोगने के लिए डाल दी गई है, पानी के सफाई के लिए कुदरत ने इसको बनाया है, इसको तुम मत मारो, पानी गंदा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, इस पानी को कोई भी पिएगा जहर हो जाएगा ये, तो तुम पानी को साफ सुथरा अपने लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए आने रखो, इसको मत मारो। लेकिन वो उसके समझ में कुछ आया नहीं, कहते ना कि मोरख हृदय ने चेत जो गुरु मिले विदंत सम, जब बुद्धि मूर्खता की हो जाती है तब कुछ समझ में नहीं आता है। एक तो जानकार मूर्ख होते हैं, एक अनजान मूर्ख होते हैं, एक तो जिनको जानकारी नहीं होती है मूर्खता करते हैं, कुछ ऐसे भी जानकार होते हैं कि बताने पर भी मूर्ख ही बने रहते हैं। नहीं समझ में आया, चले गए। कुछ दिन के बाद उधर राजस्थान में जा रहे थे दोनों, फिर तो एक ऊँट पड़ा हुआ था, ऊँट जब गिर जाता है तो उठता नहीं, ऊँट के अंदर ऐसी थैली होती है कि एक दिन पानी पी लेता है तो 15 दिन तक जिंदा रहता है, क्योंकि पानी वहाँ रोज रोज मिलता नहीं है, एक दिन मिल गया तो पेट भर के पी लिया, थैली होती है उसी से चलता रहता है, लेकिन जब पानी खत्म हो जाता है तब तो गिर जाता है, चल नहीं पाता है। तो पड़ा हुआ था, पड़े पड़े क्या हुआ, सड़ गया उसका बदन, पड़े पड़े सड़ जाता, आदमी का भी सड़ जाता है, करवट जब नहीं बदल पाता है, कहीं करवट लेता रहता है तो सड़ जाता है, और जब सड़ा दर्द हुआ थोड़ा तब पलट गया, कीड़े पड़ गए। अब वो कीड़े जब काटें एक दो और असंख्यों लाखों की संख्या में कीड़े, बड़ा शरीर था, बड़ा घाव बनता चला गया, कीड़े उसको काट रहे थे, काटे तो ऐसे छटपटाए, ऐसे छटपटाए, तो उधर से गुरु जी जा रहे थे, तो गुरु जी से कहा, लड़के वही चला था साथ में, तो कहा गुरु जी बहुत दुख में है ये, देखो कैसे छटपटा रहा है, इसको मार दो। बोले देव तू मारने की बात क्यों करता है, यह महात्माओं संतों का काम नहीं होता है, तो भी संत के बारे में समझ पाया, वो तो दया के सागर होते हैं, दया सिंध होते हैं, काल का काम कभी नहीं करते। ये जरूर है कि उनकी मर्जी के खिलाफ जब लोग काम करते हैं तो उधर से जब ध्यान वो हटा लेते हैं तो काल उनको अपने चंगुल में ले जाता है, सजा देता है, लेकिन संतों का काम मारना नहीं होता है। बोले गुरु जी बहुत देखो तड़प रहा है, छटपटा रहा है। बोले तो इसको मालूम नहीं है कि ये कौन है। कौन है गुरु जी? ये वही मछुआरा है जिसको तूने मारने के लिए कहा था, ये वही है। मरने के बाद ये ऊँट बना और वो मछलियाँ जिनको तड़पा करके इसने मारा वही स्वभाव बदला ले रही हैं, अब इसके खून को पी रही हैं, मांस को खा रही हैं,
ये वही चींटियां हैं, कीड़े ये वही हैं जो अनिश ने मछलियों को मारा था। तो कहा गया कि कर्म अनि गति टाले नहीं, टले भी, कहते करो उपाय, कर्म बंधन कटे नहीं, कर्म की सजा मिलती ही मिलती है। लेकिन जब सदगुरु की दया हो जाती है, जब वो उपकार कर देते हैं, तो उनके पास ताकत होती है, उनके पास युक्ति होती है, और वो मिनटों में कर्मों के पहाड़ को जला करके राख कर देते हैं। इसलिए संतों का शरण उन्होंने कहा जरूरी है, और दया लेना जरूरी है, दया करना जरूरी है। दया दीन उपकार, दीनता, दीनता बहुत बड़ी चीज़ है। दीन दीनता अगर नहीं आई तो अहंकार रहेगा, और दीनता जब आ जाती है तो अहंकार खत्म हो जाता है, और जब छोटा बन जाता है तो छोटे के ऊपर सबकी दया होती है, सबकी कृपा मेहरबानी होती है, छोटों से सब प्यार करते हैं। इसलिए छोटा बन करके कहीं भी कोई चीज़ ले ले, आप समझो, कहा ना बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर और पक्षी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। खजूर का पेड़ होता है, कितना दूर उसका फल लगता है, बहुत दूर, छाया होती नहीं उसमें, तो न तो छाया मिल सकती है, बड़ा तो बहुत होता है, और न जल्दी फल मिल सकता है। अगर आदमी खाना चाहे तो, कोई छोटा पेड़ है तो उससे फल तोड़ के खा लेगा, लेकिन खजूर पर तो चढ़ना बड़ा मुश्किल है। आप समझो छाया भी उसमें नहीं होती, तो कहा गया ऐसे बड़ा बनने से क्या फायदा है, आप समझो छोटे बन करके रहो तो दूसरों के भी काम आ सको, और ऐसे बड़े से कोई फायदा नहीं। कह रहा था ना, वो एक आदमी घूम करके देख रहा था बाजार में, कौन सा बिजनेस करूं। जो होशियार लोग होते हैं, बिजनेस जब करना चाहते हैं तो घूम करके देखते हैं कि बाजार में क्या चीज़ की बिक्री ज़्यादा है, तो उस चीज़ का बिजनेस करें, ग्राहक कहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, क्या ज़्यादा बिक रहा है। घूम करके देख रहा था, चाहिए भी लोग कहने में आ जाते हैं कि यह धंधा कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, और उसमें फंस जाते हैं, बगैर अनुभव के कर लेते हैं, और उसी में नुकसान हो जाता है। इसलिए अनुभव करके करना चाहिए। तो घूम करके देख रहा था, तो देखा कि छोटी छोटी चिड़िया बढ़िया बिक रही हैं, लोग पिंजरे में ले जा रहे हैं पालने के लिए। तो उसने सोचा कि चिड़िया का बिजनेस बहुत बढ़िया है, लेकिन उसने सोचा हम छोटी चिड़िया का बिजनेस नहीं करेंगे, हम बड़े का करेंगे। तो पकड़ ले गया सारस, ऊंचे होते हैं बड़े, दिन भर खड़ा रहा वहाँ, उनको लेकर के बैठा रहा, खड़ा किया रहा, एक भी ग्राहक नहीं आया। जब शाम होने लगी तो उसके ऊपर से धूल फेंकने लगा इसे ऐसे। तो एक आदमी ने कहा ये क्या कर रहे हो, बोला इसके बड़प्पन पर धूल फेंक रहा हूँ। यानी छोटी चिड़िया कितनी बिक गई, अब इसका कोई एक ग्राहक नहीं आया। तो कहा गया ऐसे बड़े होने से क्या फायदा है। तो बोलो जय गुरुदेव। आप देखिए पूरे विश्व के लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई अंदर अंदर, कोई बाहर बाहर, किस चीज की, जंग की, लड़ाई की, वार की। आमदनी का 50%, 16 आना में 8 आना से ज्यादा पैसा किस पर लगा रहे हैं, नुकसान करने पर। इसीलिए जनता ने आपको भेजा है कि आप जाओ नुकसान करो हमारा पैसा, आदमी मारने में और जमीन जायदाद को जलाने में, संपत्ति को जलाने में लगाओ, इसको खत्म कर देना चाहिए। शांति व्यवस्था लाने के लिए कानून बना लेना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र से मैं आज
ये अपील करूंगा कि आप एक न्यायाधीशों की नियुक्ति करिए कमेटी की, और ये जो फौज है और जो फौज के हथियार हैं ये सब लोग रख दें। आप ऐसा आदेश करिए, इनको समझाइए, इनकी गोष्ठी करिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के पूरे विश्व के। आप कहिए इनसे कि भाई शांति व्यवस्था अगर चाहते हो तो सब लोग घोषणा कर दो कि युद्ध हम करेंगे ही नहीं, लड़ेंगे ही नहीं, तो फौजियों की जान बच जाएगी, गोला बारूद में जो खर्चा होता है वो बच जाएगा, और जो नुकसान होने वाला है गोला बारूद के नीचे घर और फसल का वो बच जाएगा, सब बच जाएगा, सब खुशी हो जाएंगे, चैन की नींद सोने लगेंगे। जो यानी वहां पहरा दे रहे हैं -20 डिग्री यानी ठंडी में, गर्मी तपन में, लू में, जो पहरा दे रहे हैं, देश की रखवाली कर रहे हैं, चैन की नींद सोने लग जाएंगे, अपने बच्चों के बीच में आ जाएंगे, जो रुपया यानी जान लेने में, लड़ाई में क्या होता है, जान ही जाती है लोगों की, जान लेने में लग रहा है, वो जान बचाने में लगा दें, देश के विकास में लगा दें। जो न माने उसके लिए जैसे जेल होती है, जेल में बंद किया जाता है, जो नियम का कानून का उल्लंघन करता है ऐसी जेल बनवा दी जाए, और 10-5 ये जिद करने वाले अगर बंद कर दिए जाए, लड़ाई 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 जो चाहते हैं और जो चेतावनी दे रहे हैं और हथियार बना रहे हैं, ये 10-20 अगर बंद कर दिए जाए, काला पानी इनको कर दिया जाए, अभी सब दुरुस्त हो जाएंगे। आप समझो कि किसी को धमकाते ही रहो, डरवाते ही रहो, जो भी वो दहशत में रहता है, तो आप समझो खाने पीने की व्यवस्था अगर कर दी जाए, लेकिन ये हो जाए कि ये निकाले गए हैं समाज के बीच में नहीं है, तो भी अभी व्यवस्था सही हो जाए। तो हम आज संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष से हम ये प्रार्थना करेंगे कि आप पूरे विश्व में शांति लाने के लिए, जन धन की हानि को बचाने के लिए आप ऐसी व्यवस्था बना दीजिए। ऐसी व्यवस्था बन जाए तो अमन चैन आ जाए, अभी लड़ाई पढ़ाई सब खत्म, लड़ाई कोई नाम ही नहीं, सब अपना कमाए खाए आराम से। तो हमारी अपील है, प्रार्थना है, हम तो विश्व का हित चाहते हैं, विश्व के लोगों को सुखी रहना चाहते हैं, हम तो विश्व के लोगों को रास्ता बता करके अपने घर पहुंचाना चाहते हैं, कोई हमारा कार्य क्षेत्र सीमित है नहीं, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जय गुरुदेव। बाबा उमा कांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव, आप सन्मुख मिलेंगे, राक्षसा महाल दुख दर्द सब हारेंगे, यही महिमा है सतगुरु तुम्हारे, हमारा देश भोले भाले के प्यारा देश भोले भाले, यही वंदना है गोरो से बारंबार, हमारा देश भोले भाले के प्यारा देश
खोले फाले।